रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश में उपचुनावों में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। हमीरपुर बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने उपचुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने की बात कही तो बीजेपी के बहुमत से जीतने का दावा किया है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस धर्मशाला में दूसरे नंबर पर भी नहीं आएगी क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व देने वाला नहीं है, इसलिए आज हताश और निराशा में कांग्रेस के नेता बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। साथ ही नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस पर अपने कार्यकाल में प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदेश में उपचुनावों में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। हमीरपुर बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने उपचुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की बात की है तो बीजेपी के बहुमत से जीतने का दावा भी किया है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस धर्मशाला में दूसरे नंबर पर भी नहीं आएगी क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व देने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस आज हताश और निराशा में नेता बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। साथ ही नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस पर अपने कार्यकाल में प्रदेश की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं इन्वेस्टर मीट को लेकर हो रही बयानबाजी पर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इन्वेस्टर मीट को करवाने का सीएम जयराम ठाकुर का बहुत बड़ा प्रयास है और इससे प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के लिए 3,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं जिससे टूरिज्म बढ़ने के साथ प्रदेश सुदृढ़ होगा। नरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में टूरिज्म को बढ़ाने के साथ इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है जिसके कारण प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तो वहाँ पर पोजीशन बहुत बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उस बाय इलेक्शन को जीतने जा रही है। कांग्रेस बिल्कुल हताश है और वहाँ पर लगता है नंबर दो पोजीशन भी शायद कांग्रेस को धर्मशाला बाई इलेक्शन में ना मिले। इनके पास प्रेजेंट हालात में ना तो कोई स्टेट में अच्छा नेतृत्व देने वाला कोई नेता है ना केंद्र में, और लोग जो इनका प्रीवियस हिस्ट्री रही है लोग भली भांति इनके कारगुजारी से वाकिफ हैं, इसलिए हताश हैं, बुखड़ाए हुए हैं और फजूल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उनके नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, क्योंकि कांग्रेस तो वहाँ पे नज़दीक मीलों मील दूर है, नज़दीक भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस का ये बोलना तथ्यों से परे है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। जहाँ तक इन्वेस्टर मीट की बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत बड़ा प्रयास है ये। पहले वो इवन हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके साथ मुलाकात हुई, फॉरेन में फॉरेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, खासकर इको टूरिज्म को और हर प्रकार की इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाए हैं, और लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा जो MOU साइन हो चुके हैं, तो टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा प्रदेश सेल्फ सफिशिएंट होगा, बाहर के सेंटर के ऊपर आश्रित ना होगा, इसमें हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और ये इन्वेस्टर मीट जो धर्मशाला में हो रही है एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, और आने वाले समय में हमारा जो प्रदेश है टूरिज्म के मामले में कितना आगे विकसित होगा, इंडस्ट्री कितनी बढ़ेगी, बेरोजगार लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, ये आने वाले समय में बताएगा। क्योंकि कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में जितनी साल भी उनकी सरकार रही है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में अगर आज बेरोजगारी है, टूरिज्म हम पीछे हैं और हमारा अपना इंडिपेंडेंट सोर्स कोई नहीं है, इसकी सारी जिम्मेवार जो है वो कांग्रेस सरकार है। लेकिन आने वाले समय में हम इन सारी कमियों को दूर करके एक नया प्रदेश जो है वो बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।